एकदम वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल ये वीडियो होने वाला है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, रैंकर्स बनना चाहते हैं, बेहतर नंबर लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। तो सब लोग चाहते हैं कि हम टॉपर बने, सब लोग चाहते हैं कि हम कामयाब बने, लेकिन कुछ ही लोग कामयाब बन पाते हैं, कुछ ही लोग टॉपर बन पाते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्या ऐसा करें कि 2025 का टॉपर हम बन सकते हैं। आपको ये 5 आदतें अपनानी होंगी, 5-6 आदतों के बारे में हम आपको आज बताएंगे जो कि टॉपर अपनाते हैं और तब वो टॉपर बन पाते हैं। कहते हैं ना प्यारे बच्चों कि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपने अनुसार से बताता है कि भाई देखिए ये वाला दवा सुबह खानी है, ये वाला दवा शाम को खानी है, ये वाला दवा एक बार खाना है, ये दो बार खाना है, तब जाकर के आपका बीमारी दूर होता है। अगर डॉक्टर बताएगा एक बार खाइएगा दो बार तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा, डॉक्टर बताएगा दो बार खाइएगा एक बार तो भी नुकसान हो जाएगा। तो जिस तरीके से उसका डोज है उसी तरीके से आपको खाना होगा। तो उसी तरीके का डोज ना पढ़ाई में भी होता है। बच्चे अगर सही से वो डोज ले लें तो वो ठीक हो जाएंगे, यानी वो टॉपर बन जाएंगे। और ये बात हम इसलिए इतने दावे के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 2022, 23 और 24 3 बार से लगातार प्यारे बच्चों हम टॉपर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा बिहार टॉपर, बिहार फर्स्ट टॉपर, बिहार थर्ड टॉपर, बहुत सारे बच्चे टॉप 10 में आए, बहुत सारे बच्चों से हम मिले और हमें जो अनुभव हुआ वही अनुभव हम आपके पास आज शेयर करने वाले हैं कि क्या ऐसी हमारे में 5 आदतें होती है जिसको अगर हम लोग अपना लें तो हम टॉपर बन सकते हैं। तो 2025 वाले बच्चे खास करके जरूर देख लीजिएगा। देखो बाबू, टॉपर बनने के लिए ना हम बार बार कहते हैं कि कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सब चीजों को अलग तरीके से करने की जरूरत है। टॉपर कुछ अलग नहीं करते, वो सब चीज को अलग तरीके से करते हैं। तो हमें भी वही करना है, जो हमारी डेली की आदतें हैं बस उसको चेंज करना है। अगर हमारा आदत चेंज हो गया तो फिर प्यारे बच्चे आप टॉपर बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर कौन सा आदत चेंज कर लें, बताइए ना, हम तो आज चेंज कर लेंगे। सिर्फ एक दिन से नहीं होगा, आपको अभी से लेकर के एग्जाम तक लगातार करना होगा। तो प्यारे बच्चे, डेली आदत में आप लोगों को हम कुछ ऐसे ऐसे बात बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा, जिसमें सबसे पहला है कि डेली आप लोग पढ़ाई करने का एक नियत समय बनाइए।